फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है इग्नू के वेबसाइट पे। इग्नू के अपडेट्स एक के बाद एक आती रहती है, इसलिए जब भी इग्नू की तरफ से नए अपडेट आए उसके लिए टाइम टाइम पर आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा। ये दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो में बताऊंगी कि ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड का क्या मीनिंग है। नॉट कंप्लीटेड का मतलब है या तो जनरली आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या आपने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है उस सब्जेक्ट का। इसी तरह के काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इग्नू के वेबसाइट पर जाइए। नीचे अलर्ट में देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड फॉर दिसंबर 2019। तो यहां पर क्लिक करके आप रिजल्ट वाले पेज में आ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर आपको रिजल्ट और आपके ग्रेड कार्ड दोनों के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। टर्म एंड दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन रिजल्ट, आप इस पर क्लिक करके अपने रिजल्ट चेक कर लीजिए। अगर आप अपना रिजल्ट अपना ग्रेड कार्ड चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे अलग दो लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले में BCA, MCA, MP, MPB और सेकंड वाले में BDP, BA, BCOM और थर्ड वाले में अदर प्रोग्राम का दिया ऑप्शन है। आप चाहें तो आपका जो भी प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, अब आपको ग्रेड कार्ड का पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स, तीनों के मार्क्स दिए होंगे। तो आप अपना रिजल्ट पहले चेक कर लीजिए। थ्योरी वाले रिजल्ट यहाँ पर 19 फरवरी को इग्नू की तरफ से फर्स्ट अपडेट कर दी गई है। आपको यहाँ पर अपने 9 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर एंटर करने हैं और सबमिट पे क्लिक करने हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। पर आप अपने जितने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं उनके थ्योरी के मार्क्स दिए होंगे। अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स देखने हैं तो आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी प्रैक्टिकल दिए हैं तो उसके लिए भी आपको अपना ग्रेड कार्ड चेक करना हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको रिजल्ट में कहीं भी पास और फेल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप सिंपली जो आपने कल मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया है कि कितने वाला पास है और कितने वाला फेल है। अदरवाइज आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, असाइनमेंट में इस स्टूडेंट के 75, 79 एंड 79 कुछ इस टाइप से इनके मार्क्स आए हैं। जितने भी इनके सब्जेक्ट हैं कोई भी प्रैक्टिकल या लैब वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनके लैब 1, लैब 2, लैब 3 एंड लैब 4 में डैश दिया है। तो इसके बाद में टर्म एंड थ्योरी। दोस्तों, टर्म एंड थ्योरी में जो क्वेश्चन आए थे उनके 100 मार्क्स के थे। यहाँ पर आपके 100 में से जितने भी मार्क्स स्कोर किए गए हैं यहाँ पर रिजल्ट वाले पेज में डायरेक्टली लिखा गया है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है तो यहाँ पर उन्हें डबल करके लिखा जाता है। ये दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, अभी बात करते हैं नॉट कंप्लीटेड क्यों लिखा गया है। जैसा कि इन स्टूडेंट के असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो अच्छे हैं, लेकिन इनका टर्म एंड थ्योरी का जो मार्क्स है 21-23 स्कोर किए गए कि दोस्तों पासिंग मार्क्स दिया रहता है 35 out of 100 ग्रेजुएशन के लिए एंड 40 marks out of 100 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इसलिए यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है। बाद में थर्ड असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो 79 है और थ्योरी के जो मार्क्स हैं 48 है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट इनका क्लियर हो गया है, पास हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कंप्लीटेड दिखा रहा है। बाद में फोर्थ में इसके असाइनमेंट में जो 60 मार्क्स आए हैं और टर्म एंड थ्योरी में डैश लिखा है, या तो इन्होंने अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर इनका इस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो अगर आपने असाइनमेंट भी जमा नहीं किए हैं तब भी
होगा। अगर आपके ग्रेड कार्ड में नॉट कम्प्लीटेड लिखा होगा, मतलब बेसिकली दोस्तों अगर आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाते हैं या फिर अपने असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं या टर्म एंड थ्योरी के एग्जाम नहीं देते हैं या उसमें फेल हो जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आपके ग्रेड कार्ड में नॉट कम्प्लीटेड ही रहेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने असाइनमेंट टाइम पे जमा करा दीजिए। अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं तो आप मार्च में या सितंबर में अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जमा करवा सकते हैं। अगर आपको अपने असाइनमेंट के लिए सॉल्यूशन परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये कम्प्लीटेड और नॉट कम्प्लीटेड का जो फंडा था आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी जोन।